नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन कोश। मार्केट में आए दिन नए नए इंग्रेडिएंट्स आते रहते हैं, फिर चाहे वो हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए हो या फिर जंक फूड पसंद करने वालों के लिए। लेकिन आज का जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो ऑब्वियसली हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए है, खासकर वीगन लोगों के लिए। वो है न्यूट्रिशनल ईस्ट। ये नाम आपने काफ़ी सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो आज के वीडियो को देखकर आपको पता लग जाएगा कि आजकल ये न्यूट्रिशनल ईस्ट क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है। दरअसल न्यूट्रिशनल ईस्ट आजकल वीगन लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। इसके अलावा विटामिन B12 के सोर्स के रूप में भी इसको देखा जाने लगा है। यहाँ तक कि चीज़ के ऑल्टरनेटिव के रूप में भी न्यूट्रिशनल ईस्ट का इस्तेमाल होने लगा है। डायबिटिक पेशेंट को भी B12 के सोर्स के रूप में इसको इस्तेमाल करने की सलाह दी जाने लगी है, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आप डायबिटीज़ की मेडिकेशन पर हैं तो कई बार आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ऐसे में या तो आप अपने खाने में ऐसे फूड आइटम इंक्लूड करें जिससे आपको विटामिन B12 मिले, या फिर आप B12 के सप्लीमेंट ले सकते हैं। तो ऐसे में न्यूट्रिशनल ईस्ट एक पॉपुलर चॉइस बनकर उभर कर आ रहा है। लेकिन क्या सच में न्यूट्रिशनल ईस्ट इतना हेल्दी चॉइस है? क्या ये सच में आपकी बॉडी में B12 की डेफिशिएंसी को केटर कर सकता है, खासकर डायबिटिक पेशेंट्स को लेकर? क्या सच में हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत है? इन सभी सवालों पर आज बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि न्यूट्रिशनल ईस्ट एक्चुअली होता क्या है, कैसे बनता है, क्या इसका कंप्लीट प्रोसेस है, और ये हमें कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स दे सकता है। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि न्यूट्रिशनल ईस्ट बनाई कैसे जाती है। न्यूट्रिशनल ईस्ट नॉर्मल ईस्ट से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि ये ईस्ट का डीएक्टिवेटेड फॉर्म है। इस डीएक्टिवेटेड होने की वजह से ये नॉर्मल बेकिंग में या फिर फर्मेंटेशन में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। सबसे पहले ईस्ट सेल को मोलासेस यानी कि शुगर बाय प्रोडक्ट के ऊपर उगाया जाता है। आसान भाषा में समझे तो शुगर के ऊपर पहले ईस्ट सेल्स को उगाया जाता है, और जब ये डिजायर्ड ग्रोथ तक पहुँच जाते हैं तो इन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है। हार्वेस्ट करने के बाद इन्हें हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है। हाई टेम्परेचर पर रखने के वजह से ही ये ईस्ट डीएक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाती है। उसके बाद इसे धोया जाता है और फिर सुखाया जाता है। अच्छे से सूख जाने के बाद इसे डिजायर्ड प्रोडक्ट्स यानी कि जिस फॉर्म में ये आपको स्टोर में मिलती है, या तो आपको पाउडर के फॉर्म में मिलेगी या आपको फ्लेक्स के फॉर्म में मिलेगी। हमारे पास जो न्यूट्रिशनल ईस्ट है ये फ्लेक्स और पाउडर के बीच का हिस्सा है, पाउडर ही कहेंगे हम। इसके अलावा ये फ्लेक्स के फॉर्म में भी मार्केट में आपको मिलती है। नॉर्मली इसको नूच भी कहा जाता है, नूच के नाम से भी ये काफ़ी पॉपुलर है। तो इस तरह से जो है न्यूट्रिशनल ईस्ट बनाई जाती है। इस सारे प्रोसेस में इसके अंदर एक नटी और चीज़ी फ्लेवर आ जाता है। इसी वजह से जो वीगन लोग होते हैं जो कि एनिमल प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करते हैं, वो इसे चीज़ के ऑल्टरनेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके फ़ायदों की। तो सबसे पहले बात आती है विटामिन B12 की। तो आपको बता दें हम कि नेचुरल न्यूट्रिशनल ईस्ट में B12 होता ही नहीं है। इसे बाहर से फोर्टिफाइड यानी कि बाहर से मिलाया जाता है, इसलिए इसे विटामिन B12 का नेचुरल सोर्स मानना बिल्कुल गलत है। तो पहले बात कर लेते हैं विटामिन B12 की। एक्चुअली हमारी बॉडी विटामिन B12 को प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। इसको हमें बाहर से या तो फूड के फॉर्म में या सप्लीमेंट के फॉर्म में ही लेना पड़ता है। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के गट बैक्टीरिया कुछ अमाउंट में B12 प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो B12 की हमारी बॉडी को बायो अवेलेबिलिटी नहीं है, यानी कि हमारी बॉडी अपने फंक्शंस के लिए उस B12 को इस्तेमाल नहीं कर पाती है। ऐसे में हमें बाहर से फूड के थ्रू या सप्लीमेंट के थ्रू ही B12 की कमी को बॉडी में पूरा करना पड़ता है। मोस्टली विटामिन B12 एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है, तो ऐसे में वेजिटेरियन और वीगन लोगों के लिए फोर्टिफाइड फूड यानी कि जिसमें विटामिन B12 बाहर से मिलाया गया हो, तो ऐसे में फोर्टिफाइड न्यूट्रिशनल ईस्ट भी उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है, खासकर चीज़ के रिप्लेसमेंट में। न्यूट्रिशनल ईस्ट खरीदने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि आप वो ही न्यूट्रिशनल ईस्ट ले रहे हैं जिसमें अच्छी क्वालिटी का B12 फोर्टिफाई किया गया हो, ना कि सिंथेटिक वाला। अब ये क्या फ़र्क है? एक्चुअली विटामिन B12 के दो फॉर्म होते हैं, साइनोकोबालमिन और मिथाइल कोबालमिन, जिसमें से साइनोकोबालमिन सिंथेटिक विटामिन B12 है और
मिथाइल कोबालामिन नेचुरल विटामिन B12 है। तो खरीदने से पहले आप लेबल ज़रूर देखें, कोशिश करें कि आप वो वाला न्यूट्रिशन लें जिसके अंदर मिथाइल कोबालामिन है। मिथाइल कोबालामिन वाला न्यूट्रिशनल इस थोड़ा सा महंगा होता है, इसलिए ज़्यादातर ब्रांड्स साइनोकोबालामिन को ही यूज़ करती है, क्योंकि साइनोकोबालामिन को ज़्यादा स्टेबल माना जाता है और ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। अब इसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉडरेट अमाउंट में अगर साइनोकोबालामिन भी बॉडी के अंदर जा रहा है तो उसे भी हमारी बॉडी नेचुरल विटामिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि सिंथेटिक विटामिन को नेचुरल विटामिन में हमारी बॉडी कन्वर्ट करने के लिए सक्षम है। तो ऐसे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप इसको मॉडरेट अमाउंट में खाएं। ज़्यादा अमाउंट या ज़्यादा डोसेज और ज़्यादा चीप क्वालिटी का अगर हम विटामिन कंज्यूम करेंगे तो वो तो नुकसान ही देगा। चाहे आपको साइनोकोबालामिन मिले या कोशिश करें कि लेबल देखें कि मिथाइल कोबालामिन हो, और अगर मिथाइल कोबालामिन नहीं भी है तो आप साइनोकोबालामिन वाला न्यूट्रिशनल ईस्ट भी ले सकते हैं और उसको मॉडरेट अमाउंट में यूज़ कीजिए, आपको फ़ायदे ही मिलेंगे। इसके अलावा एक और ऑप्शन ये भी है कि आप नॉन फोर्टिफाइड न्यूट्रिशनल ईस्ट लें, यानी कि नेचुरल वाला जिसमें बाहर से कोई विटामिन नहीं मिलाया गया है, कोई सिंथेटिक चीज़ें नहीं मिलाई गई हैं। हाँ, इसमें आपको विटामिन B12 तो नहीं मिलेगा, लेकिन और बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है वो आपको इसमें ज़रूर मिलेंगे, और इसी वजह से न्यूट्रिशनल ईस्ट को पावर हाउस हम एनर्जी का पावर हाउस हम कह सकते हैं। अब इससे और कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं इन पर बात करते हैं। बाकी न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें विटामिन B1 यानी कि थायमिन, विटामिन B3 यानी कि नायसिन और विटामिन B यानी कि फॉलिक एसिड मिलता है, तो ये विटामिन का अच्छा खासा सोर्स है। 2 टेबलस्पून न्यूट्रिशनल ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ 40 कैलोरीज होती हैं। इसके अलावा इसमें प्रोटीन अच्छा खासा होता है, यहाँ तक कि चीज़ से ज़्यादा प्रोटीन आपको इसके अंदर मिल जाता है, और कुछ अमाउंट में फाइबर भी आपको मिलता है। चीज़ में जहाँ अनसैचुरेटेड फैट होता है वहीं ये फैट फ्री है, तो ऑब्वियसली आपके कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखेगा और इसलिए आपकी हार्ट हेल्थ का भी ध्यान रखेगा। न्यूट्रिशनल ईस्ट एक अच्छा प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स तो है ही, साथ ही इसमें आपको सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, जिन्हें बॉडी अंदर नहीं बना पाती है और हमें बाहर फूड के थ्रू या सप्लीमेंट के थ्रू ही इन अमीनो एसिड्स की पूर्ति करनी पड़ती है, वो सभी आपको न्यूट्रिशनल ईस्ट में मिल जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ग्लूटाथायोन और सिलेनियम पाया जाता है जो आपकी बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से दूर रखती हैं और फ्यूचर में किसी क्रॉनिक डिजीज़ के होने के चांसेस को कम कर देती है। इसके अलावा इसमें बीटा ग्लूकन फाइबर होते हैं जो WBC को एक्टिवेट करते हैं हमारी बॉडी में और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसके अलावा फाइबर तो है ही, जो तो आपका डाइजेशन भी अच्छा रखने में ये हेल्प करता है। अब बात कर लेते हैं डायबिटिक पेशेंट्स की। अगर B12 को एक बार साइड में रखा भी जाए तो इसके अंदर आपको प्रोटीन का ही अच्छा सोर्स है, तो इसलिए भी डायबिटिक पेशेंट इसको यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली डायबिटिक पेशेंट को वो चीज़ें शामिल करने के लिए बोली जाती है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, तो ऐसे में न्यूट्रिशनल ईस्ट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, यानी कि ये आपकी ब्लड शुगर में एक रैपिड स्पाइक का कारण नहीं बनता है, तो आप इसको चीज़ के रिप्लेसमेंट के फॉर्म में, प्रोटीन सोर्स के फॉर्म में, फाइबर के सोर्स के रूप में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर क्रोमियम पाया जाता है, क्रोमियम और बाकी मिनरल्स होते हैं जो कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करते हैं, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में हेल्प करते हैं, जो आपको आपकी HbA1c को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही इसके अंदर प्रोटीन है, फाइबर है, तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी देर तक आपका पेट भरा हुआ फील होता है और आपको अननेसेसरी खाने की क्रेविंग नहीं होगी, आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प मिलेगी। तो आपने देख लिया कि कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हमें इससे मिलते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रिशनल ईस्ट खरीदना है। अगर आपको न्यूट्रिशन ईस्ट को अपनी डाइट में शामिल करना है तो कुछ ऑप्शंस जो आप ट्राई कर सकते हैं वो हमने उनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाके आप ट्राई कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसको आप अपनी डाइट में शामिल कैसे कर लें। बहुत इजी है।
हमने आपको बता ही दिया कि ये तो या तो पाउडर के फॉर्म में मिलता है या फ्लेक्स के फॉर्म में मिलता है, तो इसे यूज़ करना बहुत इजी है। आप अपने खाने के ऊपर स्प्रिंकल करके इजीली इसको खा सकते हैं। जैसे कि आप अपना सैलड खा रहे हैं, सैंडविच खा रहे हैं, कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं, इवन सब्ज़ी भी खा रहे हैं, तो आप उसके ऊपर नॉर्मली स्प्रिंकल करके, पॉपकॉर्न खा रहे हैं तो उसके ऊपर स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। अगर आप सैलड की ड्रेसिंग तैयार कर रहे हैं तो उसके अंदर भी डाल सकते हैं। कोई पास्ता सॉस बना रहे हैं जिसमें आपको चीज़ी फ्लेवर चाहिए तो वहाँ पे चीज़ की जगह आप न्यूट्रिशनल ईस्ट को डाल सकते हैं, लेकिन आपको मॉडरेशन में ही यूज़ करना है। एक दिन में आप आधा टेबल स्पून से ज़्यादा इसको यूज़ ना करें, उतने में ही आपको अच्छा खासा फ्लेवर इसमें मिल जाएगा। तो इसको अपनी डाइट में अच्छे से शामिल कीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस है। और अगर आप फोर्टिफाइड न्यूट्रिशनल ईस्ट लेते हैं तो आपको इसमें B12 भी मिल जाएगा। B12 के अलावा और भी बी विटामिन इसके अंदर हैं, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, फाइबर है, तो ओवरऑल ये एक अच्छी डील है, इसको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो हमने कोशिश की है कि न्यूट्रिशनल ईस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे सके। इसके अलावा भी अगर आपको और कोई कन्फ्यूजन रह गया या और कोई सवाल आप न्यूट्रिशनल ईस्ट को लेके पूछना चाहते हैं तो आपको ट्रिक बताइए, आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। न्यूट्रिशनल ईस्ट कैसे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, ये हम आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आप डायबिटिक हैं और अपनी ब्लड शुगर को मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप इस वीडियो पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डॉक्टर अप्रूव्ड 10 ऐसे तरीकों के बारे में बात की है जिनको अपनी डे टू डे लाइफ में अपना कर आप अपनी ब्लड शुगर को मैनेज कर सकते हैं और डायबिटीज़ के साथ एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं।